डमिक क्लासेस में आपका स्वागत है मैं कमरान अकमल आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे वह है एडिटेरिया करंट अफेयर्स का जो सेकेंड प्रैक्टिस टेस्ट है उसी को हम डिस्कस करेंगे तो आइए देखते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग सिटीज़ द वर्ल्ड टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन विल इज बींग बिल्ट वो कौन सा शहर है जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन विल को बनाया जा रहा है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अल एन दुबई में किया जा रहा है और ये 800 फीट टॉल है इसी के साथ साथ सेकेंड जो क्वेश्चन है वो ये है विच कंट्रीज़ पार्टिसिपेटेड इन द ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज मालाबार 2021 थाउजेंड ट्वेंटी 26 ऑर्गेनाइज फ्राम टू 29 अगस्त 26 से लेकर 29 अगस्त तक आयोजन किया जाने वाला ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज मालाबार दो में कौन कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान एंड अमेरिका ने और ये फिलीपीन में आयोजन किया गया था क्वेश्चन नंबर थ्री थ्री अब्दुलरजाक गरना वॉज एवॉर्डेड द नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ही इज़ रिलेटेड टू वेस्ट कंट्री अब्दुलरजाक गर्ना जिनको दो हज़ार इक्कीस का नोबल प्राइज़ लिटरेचर से सम्मानित किया गया था उनका एसोसिएशन किस कंट्री के साथ है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी तंजानिया क्वेश्चन नंबर फोर मिशन वत्स्यालया वॉज स्टार्टेड बाई विच स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू रूर ओमेन तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है महाराष्ट्र और ख़ास तौर से यह उन औरतों के लिए था जिनका हस्बैंड कोविड के वजह से मृत्यु हो गई थी वैसे लोगों का असिस्टेंस के लिए मिशन वत्स्यालया को बनाया गया क्वेश्चन नंबर फाइव ओनिल लखेरा द फर्स्ट इंडियन वोमन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द टोक्यो ओलंपिक इज़ रिलेटेड टू विच विच स्पोर्ट तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी शूटिंग से उनका एसोसिएशन है और उन्होंने पैरालंपिक टोक्यो में दो मेडल जीता था एक गोल्ड मेडल एक ब्रॉन्ज और उसी के साथ साथ उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो अभी उनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है क्वेश्चन नंबर सिक्स रिसेंटली हु इज इलेक्टेड एज द एम डी एंड सी ई ओ ऑफ आई सी आई सी आई बैंक अभी रिसेंटली किन को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर आई सी आई सी आई का बनाया गया है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर हम बात करते हैं वह है अपूर्वा चंद्रा तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर तो यहाँ पर अगर हम देखें सॉरी अपूर्वा चंद्रा को नहीं बल्कि संदीप बख्शी को बनाया गया है सी ओ एंड एम डी तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन बी हेल्ड इन विच सिटी इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन दो हज़ार इक्कीस का वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉम का जो एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट सबमिट होने वाला है वो किस कंट्री में किस शहर में किया गया था तो क्वेश्चन नंबर सेवन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है जिनेवा और अगर हम बात करते हैं कि इसका जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म का ये जो मेन ये है वह है हेड क्वार्टर कोलोगीनी में तो जिनेवा इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडिया 2021 थाउजेंड ट्वेंटी रिलीज बाई यूनिसेफ किस में से कौन सा स्टेटमेंट सही है चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के परस्पेक्टिव से तो क्वेश्चन नंबर एट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द एबब जो है वो सही है वह क्या है कि इंडिया वॉज रैंक ट्वेंटी सिक्स हिंदुस्तान की जो रैंकिंग है वह छब्बीस नंबर पे है द सेफेस्ट कंट्री रिमेंड आइलैंड सबसे जो सेफेस्ट कंट्री है बच्चों के लिए वो आइलैंड है और इसी के साथ साथ द फर्स्ट प्लेस एमंग द मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज वॉज वन ऑफ द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक क्वेश्चन नंबर नाइन हु इज़ नॉट करेक्टली matched विथ respect टू द डेथ इन अगस्त इनमें से किन की मृत्यु जो है अगस्त 2021 में नहीं हुई है तो क्वेश्चन नंबर नाइन के बारे में अगर हम बात करते हैं कि ऑल आर करेक्ट इसमें सबके सब जो है वो सही है इसमें से जितने भी लोग हैं जिनका एसोसिएशन तो वो सब के सब जो है वो अगस्त में ही डेथ किए हैं तो यहाँ पे ऑप्शन वो नहीं है बल्कि वो गलत कर दिया गया है तो इसमें जो होगा सबके सब करेक्ट ही है इसमें क्वेश्चन नंबर टेन समृद्ध प्रोग्राम was launched by विच मिनिस्ट्री ऑन ट्वेंटी फिफ्थ अगस्त टू ट्वेंटी वन समृद्ध प्रोग्राम जो है किस मिनिस्ट्री के जरिए से आयोजन किया गया था तो क्वेश्चन नंबर टेन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अश्विनी वैष्णव जो है उसके अभी मंत्री हैं क्वेश्चन नंबर अलेवन विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द नॉलेज एक्नॉमी मिशन टू बुस्ट द जॉब प्रोस्पेक्ट इन द स्टेट बाई सपोर्टिंग नॉलेज वर्कर्स तो अगर हम बात करते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी केरला क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व रिसेंटली देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल पार्क ऑफ विच स्टेट इसका नेशनल जो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है किस स्टेट के ज़रिए से तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी आसाम क्वेश्चन नंबर थर्टीन आहार क्रांति मिशन वॉज लॉन्च बाई विच मिनिस्ट्री विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर हम बात करते हैं वह है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इंडियन कंपनी क्लीन मैक्स साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंपनी टू अचीव द गोल ऑफ वन हंड्रेड एनर्जी तो किस कंपनी के साथ ये अभी साइन किया गया है तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का तो फोर्टीन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी फेसबुक क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल टावर फॉरेस्ट मेगना फॉरेस्टा बीइंग बिल्ट हिंदुस्तान का फर्स्ट वर्टिकल टावर फॉरेस्ट मेगना फॉरेस्टा कहाँ पे बनाया जा रहा है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बेंगलुरु क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच स्टेट गवर्नमेंट्स लॉन्च द पंख अभियान ऑन द ओकेज़न ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे विथ एन एम टू एम्पावर द गर्ल चाइल्ड ये पंख अभियान किस स्टेट के जरिए ये लॉन्च किया गया था और इसका जो बेसिक मोटिव है यह है कि जो गर्ल चाइल्ड है उनको एम्पावर किया जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मध्य प्रदेश और इसी के साथ साथ एक चीज़ और याद रखिए कि हर साल 24 जनवरी को हिंदुस्तान में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व ऑन ट्वेंटी ट्वेंटी सेकेंड ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन बाईस मार्च दो हज़ार इक्कीस में जो वर्ल्ड वाटर डे ऑब्ज़र्व किया गया उसका थीम क्या था तो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का जो करेक्ट आंसर है वह है वैल्यूइंग वाटर के पानी की अहमियत हमें देना है क्वेश्चन नंबर एटीन हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक नो द एंटी नेशनल कि एंटी नेशनल को जानिए इस बुक के ऑथर कौन है तो क्वेश्चन नंबर एटीन का जो करेक्ट आंसर है अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो वह है आर एस एन तो आर एस एन सिन जो है उन्होंने अभी रिसेंटली नो द एंटी नेशनल्स बुक को लिखा है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इन विच स्टेट यूटी द कंट्रीज़ फर्स्ट स्काई पार्क विल बी सेटअप विथ एन एम टू प्रोमोट टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए किस स्टेट ने अभी एक स्टेप लिया है और एक पार्क का आयोजन कर रहा है जिसका नाम है फर्स्ट स्काई पार्क ये किस स्टेट में होगा तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का जो करेक्ट आंसर है अगर हम बात करते हैं वह है स्काई पार्क होगा ये और ये इंडोर पार्क है कुफरी में और कुफरी जो है वो हिमाचल प्रदेश का पार्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विथ विच कंट्री इंडियाज़ हैज साइंड एन एग्रीमेंट इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्स ऑन ट्वेंटी थर्ड मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन वाटर रिसोर्स को लेकर हिंदुस्तान ने किस कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट किया था तेईस मार्च को तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी जापान क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन हुज अवॉर्डेड द बैटन ऑफ ऑनर बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद रिसेंटली रामनाथ कोविंद ने कोविंद ने किनको भी uh, बैटन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया था तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो वह है तमिल साई यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किरण बेदी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और वो मणिपुर के गवर्नर थी फिर उनको हटा दिया गया था और उनके जगह पे किरण साई सुंदरार्जन को वहाँ का गवर्नर बना दिया गया तो बैटन ऑफ ऑनर अवार्ड जो है वो किरण बेदी को दिया गया है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इन विच ओशन जेनम मेपिंग प्रोजेक्ट विल भी लॉन्च फॉर द फर्स्ट टाइम बाई द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी तो ये एक जेनम मेपिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा किस ओशन में तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए इंडियन ओशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विच ऐप वॉज रिसेंटली लॉन्च बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द कन्वीनियंस ऑफ द बेनीफिशरीज ऑफ द फूड सिक्योरिटी तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्वेंटी थ्री का वह है माई राशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विच स्टेट गोट द फर्स्ट रैंक इन द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स टू थाउज टू पॉइंट जीरो टू थाउजेंड ट्वेंटी रिलीज बाई द नीति आयोग किस स्टेट ने हिंदुस्तान का कौन सा स्टेट है जो इनोवेशन में नंबर वन जगह प्राप्त किया है नंबर वन पोजिशन को प्राप्त किया है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है कर्नाटका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर एलायंस तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अजय माथुर को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है सोलर इंटरनेशनल सोलर एलायंस का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स who पटेल हु द न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट भाविना पटेल का एसोसिएशन किस स्पोर्ट के साथ है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह है टेबल टेनिस के साथ उनका एसोसिएशन है और उसी के साथ साथ टेबल टेनिस ये काफ़ी बेहतरीन खेलती है और इन्होंने टोक्यो में सिल्वर मेडल जीता था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट इज़ बींग सेटअप इन विच स्टेट तो हिंदुस्तान का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट को कहाँ बनाया जा रहा है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी तेलंगाना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट विद द एम ऑफ डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च किसान कल्याण मिशन जो फार्मर्स है उनके इनकम को डबल करने के लिए किस स्टेट ने किसान कल्याण मिशन को लॉन्च किया है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट का जो करेक्ट आंसर है वह है उत्तर प्रदेश क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन इन विच स्टेट परशुराम कुंड मेला वॉज ऑर्गेनाइज किस स्टेट में परसुराम कुंड मेला को ऑर्गेनाइज किया जाता है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है अरुणाचल प्रदेश क्वेश्चन नंबर थर्टी फ्रूट केक मोमेंट ऑफ विच स्टेट वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली फ्रूट केक मोमेंट जो है यह भी रिसेंटली न्यूज़ में था इसका एसोसिएशन किस स्टेट के साथ है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है महाराष्ट्र और इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो खास तौर से ये करने का जो रीज़न था वो ये था कि जो भी वहाँ के फ्रूट्स वगैरह है उसी के ज़रिए से केक बनाया जाए ताकि वहाँ के फार्मर जो भी चीज़ों को कर रहे हैं उससे उनका फ़ायदा हो सके क्वेश्चन नंबर थर्टी वन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू लीगलाइज कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ कैनाबिस के किस स्टेट ने कैनाबिस को कल्टिवेशन करने के लिए कमर्शियलाइजेशन करने के लिए लीगलाइज कर दिया है क्यों तो अब वो लीगल होगा कि आप कोई भी इंसान कैनाबिस को कल्टिवेट कर सकता है तो क्वेश्चन नंबर थर्टी वन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है हिमाचल प्रदेश हालांकि सेहत के लिए ये नुकसानदेह है Question number 32 Which country has established the first underwater space telescope which will search for nutri, uh, nutrients? So, question number 32 Ka jo correct answer ho jayega, hai, option B Russia. Question number 33 In which country the 9th Heart of Asia conference was organized on 30 March 2021 in which the External Affairs Minister of India also participated? तो नाइन्थ हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस जो आयोजन किया गया था तीस मार्च में उसमें हिंदुस्तान के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी पार्टिसिपेट किए गए किए थे ये किस कंट्री में आयोजन किया गया था तो क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री का जो करेक्ट आंसर है वह है ताजिकिस्तान। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर इंडियन कंपनी प्रेमास बायोटेक हैज़ कोलाबरेटेड विथ विच कंट्रीज़ कंपनी टू मैनुफैक्चर औरल वैक्सीन ऑफ करोना तो क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए अमेरिका क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव वेयर वॉज द फिफ्थ इस्टेट ऑफ मेटर डिस्कवर्ड विच वॉज मैन मेड के कहाँ पर फिफ्थ इस्टेट ऑफ मेटर का डिस्कवर किया गया है जो मैन मेड है तो क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ज़रिए से इसको डिस्कवर किया गया है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स इन विच कंट्री द पब्बी एंटी टेरर एक्सरा एक्सरसाइज टू थाउजेंड ट्वेंटी वन वॉज ऑर्गेनाइज बाई एस सी ओ मेम्बर कंट्रीज़ अभी रिसेंटली दो हज़ार इक्कीस में पब्बी एंटी टेरर एक्सरसाइज़ का आयोजन किया गया था एस सी ओ मेम्बर कंट्रीज़ के ज़रिए यह किस कंट्री में किया गया था तो क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी पाकिस्तान क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू क्रॉस थ्री हंड्रेड रन थ्री थाउजेंड रन इन टू ट्वेंटी इंटरनेशनल क्रिकेट तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए विराट कोहली क्वेश्चन नंबर थर्टी एट विथ विच मराठी नोवलिस्ट वॉज अनाउंस टू बी कन्फर्ड विथ सरस्वती सम्मान टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी बाई के के बिरला फाउंडेशन के बिरला फाउंडेशन के जरिए से किन को मराठी नोवलिस्ट को सरस्वती सम्मान के लिए नॉमिनेट किया गया है दिया गया है तो थर्टी एट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है शरण कुमार लिम्बाले तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर टू इंडिया लिविंग बिहाइंड सऊदी अरबिया के सबसे लार्जेस्ट जो कंट्री कौन सी कंट्री सबसे सेकेंड लार्जेस्ट बन गई है जो आयल को सप्लाई करती है हिंदुस्तान को तो क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन का जो करेक्ट आंसर है वह है यूएसए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर और इसी के साथ साथ एक चीज़ और याद रखना है पहले कि सबसे नंबर वन पे है जहाँ से सबसे ज़्यादा आयल का सप्लाई होता है हिंदुस्तान में वह है इराक़ और सऊदी अरबिया को सरपास करके अमेरिका जो है सेकेंड नंबर पे आ गया है क्वेश्चन नंबर फोर्टी विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट हैज़ प्रजेंटेड द देशभक्ति भगत कि किस स्टेट या यूटी ने अभी रिसेंटली देशभक्ति बजट को प्रेजेंट किया है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए दिल्ली क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन विच वॉज़ एवार्डेड द बेस्ट फिल्म एवार्ड एट द दादा साहब फ़ालके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन दो हज़ार इक्कीस में किसको बेस्ट फिल्म एवार्ड से सम्मानित किया गया है दादा साहब फ़ालके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में तो इसका अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है तन्हाजी द अनसंग वेरियर क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फॉर मर यूनियन मिनिस्ट्री मिनिस्टर बोटा सिंह हु पास्ड अवे इन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इनके बारे में बोटा सिंह जो हिंदुस्तान के फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं उनके बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी यानी कि सारे के सारे ऑप्शन जो है इसके क्या है करेक्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट कौंसिल एशियन क्रिकेट कौंसिल का प्रेजिडेंट अभी किन को बनाया गया है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है जय शाह और वह अभी बी सी सी आई के सेक्रेटरी भी है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर हाउ मैनी पर्सनस वू आर ऑनर्ड विद पद्म विभूषण एवार्ड इन द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन दो हज़ार इक्कीस में पद्म विभूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया था तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सात क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव इसरो हैज डिसाइडेड टू डेवलप अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी इन कोलैबोरेशन विथ विच स्पेस एजेंसी इसरो ने अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी को डेवलप करने का डिसाइड किया है किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर तो क्वेश्चन नंबर 45 फाइव का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी नासा क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स जियोलॉजिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड वन पॉइंट सिक्स बिलियन ईयर्स ओल्ड वाटर ऑन अर्थ कि किस कंट्री के जियोलॉजिस्ट ने वन पॉइंट सिक्स बिलियन ईयर्स ओल्ड वाटर को उन लोगों ने अर्थ पे डिस्कवर किया है तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी कनाडा क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन आकांक्षा पोर्टल वॉज लॉन्च बाई विच स्टेट गवर्नमेंट आकांक्षा पोर्टल को किस स्टेट के गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है तो फोर्टी सेवन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है कर्नाटका क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च एस एच डब्ल्यू ओस एंड ए आर ओ जी लॉन्च लोन स्कीम फॉर एम एस एम ई एम एस एम ई के लिए किसने अभी लोन का सिस्टम को uh, लागू किया है तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी सिड बी क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन द इकोनॉमिक सर्वे टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन हैज़ बीन डन अकॉर्डिंग टू विच टाइप ऑफ रिकवरी इन द इंडियन इकोनॉमी ड्यू टू कोविड नाइन्टीन की कोविड नाइन्टीन में हिंदुस्तान के जो इकोनॉमिक सर्वे किया गया है वो किस टाइप का रिकवरी हो रहा है वो वी शेप्ड है या सी शेप्ड है या वी या भी तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन का जो करेक्ट आंसर है वह है वी शेप्ड रिकवरी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी अ माइंड विदाउट फेयर मैंशनड इन द इकोनॉमिक सर्वे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह तो है रबिंद्र नाथ टैगोर तो यह है पचास इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से जितने भी सेट है करेंट uh, अफेयर्स का उसको हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे और इसी तरीके से आपका जो भी सजेशन हो या फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना सजेशन या फीडबैक दे सकते हैं वंस अगेन थैंक यू सो मच